तो गाइस एक बार फिर से खेल रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19। और मेरे खेत में लाइम की ज़रूरत थी पिछली बार, आज मैं इसको कर दूंगा ठीक और फसल भी उगाऊंगा। और आज मैं मुर्गियां भी पालने वाला हूं, तो कुछ नया करने वाले हैं। और मैंने कुछ किया था, हाँ मैंने पैसे कमाए हुए हैं। तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग की है, पैसे कमाए हैं। मैं कल भी खेला था, आज भी खेला हूं और अभी भी खेलूँगा। तो क्या करते हैं, ये मैंने मशीन ली थी अभी सीडिंग वाली, जो कि पहले भी ली थी मैंने। इसमें तीनों काम होते हैं, सीडिंग भी फर्टिलाइजिंग भी। ये थोड़ी सस्ती होती है तो इसलिए ले लेता हूँ मैं। तो क्या करते हैं, पहले लाइम छिड़कते हैं ठीक है। अरे एक मिनट, इसको खोलना नहीं है, इसको हटाना है। तो लाइम छिड़कने के लिए मुझे सबसे पहले ये वाली मशीन चाहिए होगी, ये वाली। एक मिनट इसको कनेक्ट कर लूँ। ओके लेके चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं चाहिए इसमें। अरे यार यहाँ पे आसपास पेट्रोल पंप कहाँ है? ओके यहाँ पर है पेट्रोल पंप, तो यहाँ जाना पड़ेगा मुझे पेट्रोल के लिए। एक काम करते, पहले मैं लाइम ले लूँ, इसमें लाइम भर दूँ, उसके बाद फिर पेट्रोल भरवा के लाऊँगा। और लाइम के लिए मेरे को इसमें जाना पड़ेगा। तो एक चीज़ और, मैंने अपना लोन सारा तो चुकाया नहीं, अभी 95,000 बचे हुए है और धीरे धीरे चुका रहा हूँ मैं। तो कल मैंने बहुत सारा लोन चुकाया था, मैंने 1,45,000 रुपये लेते, अभी 95,000 बचे हुए है, तो काफ़ी ज़्यादा लोन चुका दिया। तो क्या लेना था मेरे को, मेरे को लेना था एक लाइम, जो बिग बैग्स होते हैं इसके अंदर ये लाइम मिलता है लास्ट में, और बहुत सस्ता मिलता है, और इसकी क्वांटिटी 2,000 की होती है। पहले तो इनको इनमें भर दूँ। ओके आर दबाना, अपने आप ही भर जाएंगे। इस वाली मशीन की कैपेसिटी कितनी है यार, मतलब कि जो मैंने ये ले रखी है फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी में। अच्छा 14,000 है, ठीक है कोई नहीं। एक काम करते हैं, इसको हटा के मैं जा रहा हूँ पहले पेट्रोल भरवा के लाता हूँ, इसमें पेट्रोल बहुत कम है। काम करते करते पेट्रोल ख़त्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। और इसको उसकी भी ज़रूरत है यार सर्विस की, बहुत सारे काम करवाने। ये मैं घास पे चलाता हूँ ना बार बार, इसकी वजह से सर्विसिंग ज़्यादा लगती है, और गंदी रखता हूँ तो उसकी वजह से। वैसे मैंने साफ़ कर रखी है, देख रहे हो चमक रही गाड़ी, मैंने साफ़ कर ली थी अपनी। ये रहा पेट्रोल पम्प, इसे घर बनाया हुआ है पर यह है पेट्रोल पम्प। तो यहाँ गाड़ी लगाते हैं इसके पास, ये देखो इसके पास आते ना ऊपर आते ही अपने आप ही आ जाते हैं स्टार्ट फिलिंग। तो आर दबाना है, ये देख रहे हो पेट्रोल भर रहा है मेरा, ये पता चला है कितने रुपए का भरा है, $145 का। ओके कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, इतने तो मेरे इस चैनल की इनकम भी नहीं है भाई। ओ भाई मेरे को फटाफट से काम करना है, अभी लाइम डालना है और फसल उगानी है, उसके बाद फिर मेरे को मुर्गियाँ पालनी है। अब मुर्गियों के लिए मैंने खाना भी रखा हुआ है, दूसरे के खेत में मैं हार्वेस्टिंग कर रहा था गेहूं की, तो गेहूं मैंने अपने ट्रॉली में रख रखे हैं कुछ 1,000 के आसपास। तो बस गेहूं देना होता है मुर्गियों को और कुछ नहीं देना होता, और उनसे हमें अंडे मिलते हैं, अंडे को हम बेच सकते हैं। तो अंडे वंडे का तो प्रोसेस बाद में देखेंगे, पहले मुर्गी तो लिया है कम से कम, अभी तो पहले ये करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ आ जाते हैं थोड़ा बीच में, और अभी क्या करना है मेरे को, दबाना पड़ेगा बी और आगे बढ़। अरे यार बी दबा के आगे बढ़ना है, ये मेरे को ना थोड़ा वहाँ से लेना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये मेरा खेत है, अपने खेत पे ही ध्यान देना है ज़्यादा, दूसरे के पे दो या ना दो, अपने पे देना है थोड़ा यार साइड से लेके, क्योंकि बहुत लगने वाली है। ओके अब सही है। तो लाइम आप, अरे यार मैं कैसे चला रहा हूँ, कभी तो एकदम से बाहर निकल जाता है, कभी एकदम से अंदर आ जाता है। तो लाइम की मैं बता रहा था कि जैसे हम प्लोइंग करते हैं ना वैसे ही लाइम करना पड़ता है, चाहे आप पहले करो बाद में करो बीज लगाने से पहले, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो अभी बीज लगाने से पहले ही कर रहा हूँ। और जैसे हम प्लोइंग करके 2-3 बार खेती कर सकते हैं ना, वैसे ही हम लाइम को भी डाल के 2-3 बार इस पर खेती कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार लाइम डलेगा, अभी एक बार डाल दिया 2-3 बार तो इस पर कुछ ना कुछ उगा ही दूंगा। अरे यार बीच में छूट गई, ये तो दिक्कत है। और ये मशीन चल कैसे रही है भाई, मशीन ये ट्रैक्टर ही मैं ऐसे चला रहा हूँ इसको बहुत बुरी तरीके से। मेरे को तो इसके फिर ज़्यादा पैकेट लेने पड़ेंगे भाई, जब भी तो ये सस्ता है क्योंकि ज़्यादा लगता है। एक मिनट ख़त्म होने वाला है, इसी में डाल दूँ। ओके काम हो गया, ये देखो ख़त्म भी हो गया। ओ भाई इसका मतलब हमें 3 या 4 पैकेट चाहिए होंगे, मैं 4 खरीद लूँगा, 4 नहीं यार 5 खरीदने पड़ेंगे। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही लग गए, कोई नहीं यार 5 ले लिया मैंने पैकेट। मेरे को जगह भी देखना पड़ेगा कि मुर्गी फार्म में बनाऊँगा कहाँ, क्योंकि मेरे को जो आधा खेत है ना मेरे को हटाना पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि अपनी फार्मिंग वार्मिंग करनी है ना तो हटाना पड़ेगा ही। और कोई दूसरा खेत देखूँगा मैं जहाँ पर जगह हो बढ़िया, प्लेन हो बिल्कुल खास करके, क्योंकि प्लेन होना ज़रूरी है, नहीं तो उबड़ खाबड़ में बहुत दिक्कत होती है। और जो मैं मैप खेल रहा हूँ ना
इसमें हर एक खेत ऊबड़ खाबड़ ही मिलते हैं, वैसे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं कोई ना कोई प्लेन। पहले मैं इसको भर लूँ, जल्दी जल्दी भरना है सारों को। ठीक है, अब कमी नहीं पड़ने वाली लाइम की। वैसे अगर किसी को नहीं पता लाइम से होता क्या है, तो यार देखो जो ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ रेट होती है वो बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी उगती है। और लाइम करना भी ज़रूरी होता है, मतलब खेत हमारा अच्छा रहता है लाइम से। और अभी मेरे को ये यहाँ से करना पड़ेगा। अरे खोली तो है नहीं ये, पहले ना मेरे को ये टेढ़ा मेढ़ा जो हो रहा है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा कैसे भी करके, नहीं तो बहुत बेकार लगेगा। मेरे को ये यहाँ से करना पड़ेगा। ओके, छिड़क तो दिए। एक बार मैं चेक कर लूँ कि कहाँ कहाँ पर लाइम आई है। ये वाला देखना है। ओके, ये छोटे छोटे रह गए हैं बस गड्ढे से, इनको भी करना पड़ेगा यार। अब ये ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ ये देखो, ये खुले हुए हैं ना छोटे छोटे, यहाँ लाइम नहीं आई है। शायद से मैंने पूरा खेत कर दिया, बस ये एक छोटी सी डोट है, कोई नहीं चलेगा इतना तो पूरा खेत लाइम कर दिया। अब इसमें बीज लगाने हैं, बीज मैं देखूँगा। आज मैं सोयाबीन उगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैप में जाके देखा था यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं सोयाबीन देखूँ तो इसके 1800 के रेट है। पता नहीं कितना हार्वेस्टिंग में निकालती होगी, अगर इसकी क्वांटिटी अच्छी निकलती होगी तो सही यार, 1800 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हम देखते एक बार, कोशिश करते एक बार, क्या पता हमारा फ़ायदा हो जाए। इस मशीन को मेरे को साइड में रखना पड़ेगा, मेरा बस डेढ़ पैकेज बच गया है। बहुत ज़्यादा ही लगती है लाइम। एक मिनट इसको निकालो, उस मशीन को लगाना पड़ेगा। तो दो लाइन में तो मैं वीट उगाऊंगा, क्योंकि मुर्गी भी पालूंगा तो उनके लिए चाहिए होगा आगे भी, और किसी के दूसरे के भरोसे तो रह नहीं सकता मैं। पहले क्या करना है, इस मशीन को नीचे करना है। ओके, अब बी दबा लेना है। ओके, चलनी शुरू हो गई। अरे तीन दब जा भाई। ओके, पहले मैं वीट उगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरी सोयाबीन उगाऊंगा जो कि हमें उगानी है। एक मिनट इसको यहाँ से निकाल के, पहले इसको बी से बंद, और फिर मोड़ के एक चक्कर और लगाना है मुझे, उसके बाद फिर मैं दूसरी सोयाबीन उगा दूंगा। ठीक है भाई, गेहूँ तो उगा दी मैंने यहाँ पर, अभी दूसरी तरफ से मैं सोयाबीन उगाऊंगा। अरे यार लपेटनी नहीं होती, तो क्या करना था, पहले वी दबा के नीचे और बी दबा के चलाना है और आगे बढ़ाना है इसको। अरे एक मिनट एक मिनट, इसको बी से बंद करो। पहले मैंने इसमें से कुछ तो लिया ही नहीं, मेरे को उगाना है सोयाबीन। वाई दबा के सोयाबीन पे सिलेक्ट कर लिया, अभी तीन चला दबा के चालू। अरे ट्रैक्टर सीधा चल ले, मैं हेल्पर पे लगा दूँ ताकि मेरा काम में कोई दिक्कत ना हो। ओके ये हो गया। तो जैसे ही मैं टैब दबाता हूँ तो मैं इसमें भी आ जाता हूँ ट्रेन में। कई लोगों ने बोला है कि मैं ट्रेन एकदम से कैसे आ जाता हूँ, सामने ट्रेन दिखती है। तो हाँ भाई, मैं ट्रेन में भी जा सकता हूँ और मैं इसको मंदा भी कर सकता हूँ। अरे एक मिनट, पहले मेरे को जी दबाना पड़ेगा। अच्छे डब्बे, इनको मैं कंट्रोल कर सकती, ये मेरे को रेल दी हुई है। ओ भाई, मेरे को लगा मेरे को ट्रेन से पैसे कट रहे, पर पैसे तो इस वजह से कट रहे थे हेल्पर की वजह से, ट्रेन में शायद से पैसे नहीं कटते। और ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पर बेल भी रख दी थी, क्या बोलते हैं उसको, अब मेरे खेत की थी, थोड़ी थोड़ी बेच दी, थोड़ी रख दी। अभी क्या करते हैं, अभी एक फार्म लगाते हैं, और यहाँ पर वीड वगैरह अभी कुछ आए नहीं, अभी तो होगी है वीड। अरे वो वीट गेहूं, अब जब गेहूं आएंगे थोड़े से तब यहाँ पर वीड आएगी, अभी नहीं आएगी। तो क्या करते हैं, एक मुर्गी का फार्म लेते हैं, मुर्गी पालेंगे आज से। तो एनिमल फार्म में जाना है, यहाँ पर ये रहा चिकन कोप है, एक ये लार्ज चिकन कोप है। इसमें अगर लेते हैं तो $20 हर रोज़ कमा सकते हैं, ये लेते हैं तो $40 हर रोज़ कमा सकते हैं। तो इसमें देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है खाना डालने का, वो देख रहे हो जो इस तरफ का, ये खाना डालने का, दूसरी तरफ है जहाँ से अंडे मिलेंगे। तो इसको इस तरीके से लगाना है ताकि हमें दोनों चीज़ें आराम से कलेक्ट हो सके। तो एक मिनट इसको पहले मैं वीद, अरे इस तरफ करना है, देखे तो सही कि किस तरफ सेट हो जाएगा, ये अच्छी सी जगह सेट करना है मेरे को ताकि कोई दिक्कत ना हो। मेरे को थोड़ा खेत ख़राब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मैं इसको दूर करूँगा थोड़ा अपने उससे, क्योंकि वहाँ से मैं लाइन से ना वो लगाऊँगा जो मैंने अभी लगाए हुए हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ये जम सा रहा है, और अगर मैं घुमा दूँ थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, क्योंकि अंडे वंडे भी लेने में दिक्कत नहीं होगी फिर। ये सही रहेगा एरिया, ये सही लग रहा है थोड़ा। अरे मेरे को ना स्क्रीन देखनी पड़ेगी कैसी लग रही है। ठीक है, अरे एक मिनट। ओके, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, बिल्कुल सिधाई सिधाई में रखना है, साफ़ सुथरे रखने हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं।
आ गया, हमारा थोड़ा केस कट गया, वो तो कटना ही था। तो भाई ये हमारा मुर्गी फार्म आ गया। अरे किधर है? वो रहा, वहाँ पर हमारा मुर्गी फार्म आ गया। ओके यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ, यहाँ पर अंडे आएंगे, यहाँ से मैं चाहूँ तो ऐसे अंदर भी जा सकता हूँ। और ये मेरा मुर्गी फार्म है। तो करना क्या है, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर जैसे गेट पे जाते हैं तो यहाँ पर आर दबाना होता है, आर दबाएंगे तो वहाँ पर चिकन्स आ जाएगी हर तरह की। तो यहाँ से हमें चिकन लेनी है जो कि 50-50 रुपये की है, और ले लेते हैं थोड़े से, 1 2 3 4 5 ये ले लेते हैं, 5 ये ले लेते हैं। अरे मुझे नहीं पता मैंने कौन कौन सी कितनी ली है, बस मैं लेता जा रहा हूँ, शायद से पता नहीं कितनी आई है इसमें। तो ये आ गई हमारी मुर्गियाँ। ओ भाई ये हमारी मुर्गियाँ है, और मुर्गी फार्म भी हमारा चालू हो चुका है अभी। ओके इनके लिए खाना देखते हैं। अरे खाना तो होगा ही नहीं, ज़ीरो ही है। तो इनका देखने के लिए खाना वाना क्या चल रहा है, तो ऐसे एस्केप दबाओगे तो ये गायें बनी हुई है, इस पे जाओगे तो यहाँ पर बता देता है कि को किसको क्या चाहिए। ये देखो सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, ये इधर का है ना, ये देखना पड़ता है हमें, फूड कितना है इसमें और कितनी क्लीन है, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। फूड तो है ही नहीं इसमें, फूड डालना पड़ेगा। हमारे पास कितनी है, 13 19 10 10। ओके और भी ले सकते हैं अभी हम इसमें। तो अभी मेरे को यार मेरी मशीन चाहिए, ये चाहिए होगा थोड़ी देर के लिए। अरे रुक जा यार, थोड़ी देर के लिए मैं उसमें खाना डाल दूँ, फिर मैं वापस से लगा दूँगा इसको। इसमें मैंने वीट रखे हुए हैं, और आप वीट खिला सकते हो बड़े आराम से। ये दो चीज़ें खाते हैं, वीट खाते हैं और बार्ली खाते हैं, इन दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। इसमें मेरे पास वीट है तो ये डाल दूंगा मैं। इसको पहले एन से ओपन कर लूँ, वैसे ओपन करना कोई ज़रूरी नहीं है, बिना ओपन करे भी ले जा सकते हैं। बस ये ढका रहता है ना तो थोड़ा सेफ़ रहता है। तो मेरे को यहाँ जाना है, इस पर रोकना है, ये खाने वाली जगह पर। यहाँ पर देखो आई का ऑप्शन आ जाएगा, स्टार्ट ओवरलोडिंग, यहाँ आई प्रेस करना है, और ये देखो लोड होना शुरू हो गया, भर गया सारा। ठीक है अब देखते हैं इसमें कितना खाना आ गया, अभी आधा खाना आया है। तो सभी में एक जैसा सेम बताएगा ये, कोई अलग नहीं बताएगा, क्योंकि ये जिस फार्म में रहते हैं ना उस फार्म का बताते हैं। अभी इतना है, ठीक है हमें थोड़े और भरने पड़ेंगे इसमें, किसी का मेरे को काम करना पड़ेगा इसका मतलब। देखते हैं अभी कि किसका हम काम कर सकते हैं, वीट वीट का कुछ कर पाए तो। बार्ले का भी मिल जाएगा वही बहुत है, उसको कनेक्ट भी मेरे को ढंग से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आया था वैसे ही करना पड़ेगा। ओके इसको एच दबा के चल गया ना हेल्पर, हाँ चल गया। हमें वो फर्टिलाइजिंग करनी है इसकी, और पैसे भी ज़्यादा दे रहा है। फील्ड नंबर 7, फील्ड नंबर 7 कौन सी है, 7 नंबर। ओके छोटी सी है और पैसे ज़्यादा दे रहा है। खेत वेत में ये सामान तो हमारे पास है तो हम बचा सकते हैं, पर हमारे एक ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये हार्वेस्टिंग तो अभी तक गया नहीं है। पटेटो मैं काटूंगा भी नहीं इसके, 27,000 के लिए घंटे बर्बाद नहीं करने, ना ही इसके काटूंगा। और कोई हार्वेस्टिंग नहीं करवा रहा क्या? ये ओट है, ये कनोला है, पटेटो, कॉर्न। अरे कॉर्न ठीक है यार, कुछ ढंग की चीज़ नहीं है। और फर्टिलाइजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कल्टीवेटिंग, इसकी फर्टिलाइजिंग कर देते हैं, क्या जा रहा है इसका। एक्सेप्ट करे कि बोरो करना पड़ेगा यार, मैं इसका ना बोरो आइटम कर लेता हूँ। मेरे पास एक मशीन भले ही हो पर मेरे फर्टिलाइज़र बाहर निकले हुए हैं। एक तो ये है फर्टिलाइज़र ही है ना, हाँ फर्टिलाइज़र ही है। अब देखो यार इसने जो मेरे को फर्टिलाइज़र दिया है, इसका ये आगे का बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो यहीं पर रख देता हूँ, मैं अपने वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा, मतलब फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी है, बस ये लगा लूँ वेट सामने बस। ओके ये वेट लग गया, तो मेरी वाली थोड़ी चौड़ी है ना, वो जल्दी जल्दी काम करेगी। अगर मैं ट्रैक्टर लेता ना अलग से लीज पे तो मेरे को 5-6 हज़ार का पड़ता, और अभी मेरे को ये 900 में मिला है। ओ भाई मेरे को वेट भी मिल गया इसमें, तो एक ही तो काम करना है मेरे को, इससे ज़्यादा तो करने भी नहीं है वैसे। और इसको मेरे को आए दबा के यहीं पर निकालने पड़ेंगे, कहाँ गया वो, वहाँ पर गिर गया। तो इस खेत की करनी है मेरे को फर्टिलाइजिंग, ये वाली। अरे उसको क्या ब्लॉक कर रहा है अभी, अरे यार इतने से में ये इसका दम निकल गया। इसको ऐसे भी तो हटा सकता है, साइड में हट जाएगा ये। मेरे को ये थोड़ा सा यहाँ से करना पड़ेगा, शायद से वहाँ तक पहुँच जाए, बी दबाना है, चलना है आगे, हाँ पहुँच जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं एक काम करता हूँ, अरे थोड़ा सा साइड में चलाऊँ। तो हमारे पास सीडिंग के भी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट है, हम चाहे तो सीडिंग के भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे अगर हो पाए तो। पहले इसमें थोड़ी सी ये उगा देंगे अपने खेत में, और सही है अगर ये सोयाबीन बड़ी होके हमारे लिए फ़ायदेमंद हुई तो मैं तो भाई सोयाबीन ही उगाऊंगा। अभी मेरे को गेहूं भी चाहिए भाई, नहीं तो मेरी मुर्गियां मरनी शुरू हो जाएगी अगर इनको टाइम पे गेहूं नहीं मिला तो। यहाँ से जो मेरे को करनी है ना थोड़ी सी इस तरीके से करनी है, ताकि मेरा हार्वेस्टर
बीच में रुके ना, नहीं तो दो फसलें बीच में आ जाती है ना तो रुक जाता है। अब बीच में से इतना सा गैप छोड़ूंगा मैं ताकि मेरा हार्वेस्टर रुके ना कभी। अब मेरा काम हो गया, मशीन को लपेटो तो बिल्कुल मस्त हो गया खेत, बिल्कुल नया नया लग रहा है। थोड़े दिनों में इसमें फसल आ जाएगी, मेरे को टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जो जो चीज़ें लीज़ पे ले रखी है ना उनको पहले देना पड़ता है मुझे टाइम बढ़ाने के लिए, नहीं तो उनके पैसे कटते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूँगा, देखूँगा कि कितने कटते हैं। एक मिनट, पहले इसको आई दवा के खाली करो क्योंकि मेरे को सिर्फ बीज भी चाहिए, फर्टिलाइज़र नहीं। फर्टिलाइज़र सही में बहुत महंगे है। और इसने क्या किया अभी तक? ओके, काम तो ये कर रहा है, बस थोड़ी देर का और काम है इसका, फटाफट हो जाएगा। थोड़ी सी और फर्टिलाइज़ करनी है इसकी। कितना हुआ? 99। ओके हो गया, लपेटो मशीन। अरे मशीन क्या यार, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो दिक्कतें होती है। अभी पहले तो मैं इसको रखूँगा, उसके बाद एक्सेप्ट करूँगा जो भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर नहीं है भाई, नहीं ये मशीन यहीं पर रह जाएगी, मशीन तो मेरी है ना भाई। ओके यहाँ तक तो लिया है मशीन, इसको एक्सेप्ट करते हैं फटाफट से। कितने हुए? 5,800 रुपये। तो ये बीज वाले हैं सनफ्लावर, शायद से मेरी मशीन सनफ्लावर नहीं लगा सकती। कोई दिक्कत नहीं है, कल्टीवेटिंग की तो मशीन ही दे देंगे, मैं मशीन से ही कर दूंगा इनकी। अभी मेरे को हार्वेस्टिंग चाहिए या तो बारले की या वीट की, अभी इन्होंने कुछ नहीं उगा रखा है। कोई नहीं, वेट करेंगे इनका, मैं टाइम बढ़ा दूंगा तभी वेट हो पाएगा। और हमारे पास मुर्गियाँ भी आ चुकी है, बस मुर्गियों के लिए खाना नहीं है। चाहे तो मैं खाना दुकान से भी ख़रीद सकता हूँ, और दुकान का खाना खरीदे तो कितने का पड़ता है? ये रहा 1500 का बैग है जो कि 1000 लीटर का है। यार 1000 से ज़्यादा तो मैंने अभी अभी डाला है, ये इतना सा मैं इसको, अरे भाई नहीं, ये प्रीमियम चिकन फीड है। ओके ये होता क्या है, वीट बिग बैग है, वीट होता है इसमें, गेहूँ। कौन सा प्रीमियम है, मैं भी तो प्रीमियम ही दे रहा हूँ भाई। तो गाइस ये हमने काम कर दिया, हमने अपने खेत में भी चीज़ें उगा दी है, एक तरफ वीट उगाई है और एक तरफ सोयाबीन्स है। अभी मैं इनका वेट करूँगा और अगले पार्ट में मैं इनको खाना भी खिलाऊंगा, इनकी सफाई भी करूंगा, अंडे भी बेचूंगा, बहुत सारे काम करने हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गेमिंग एपिसोड में।